हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून, नमस्ते। आ जाओ, आओ जल्दी, नहीं आएगा। तो चलिए, मैं अपने कमेंट्स के वीडियो को लेके आ गई हूँ। अब फिर से कमेंट्स का वीडियो आपका मैं शुरू करती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप अपने कमेंट्स के वीडियो को सुनोगे और मुझे से प्यार सपोर्ट दोगे। बस आप लोगों के संग मैं अपना साथ निभाना चाहती हूँ और कुछ नहीं। और कल तो ध्रुव लौट के आया है और मुझे बहुत सारा खुशी हुई कि ध्रुव वापस आया और आज देखना है गुनगुन का क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हुए कमेंट्स का सिलसिला। और सबसे पहले जय सिंधिया जी का मैसेज पढ़ूंगी। लिखा है, गुनगुन को समझने का कुछ फ़ायदा नहीं, समझाने का कुछ फ़ायदा नहीं है। वो सिर्फ समर की पुतली है, जैसा समर बोलता है वैसे वह नाचती है। एकदम सही कहा है आपने। थैंक यू सो मच गीता जी, रेणु जी ने मुझे हार्ट दिया है, थैंक यू सो मच। रीमा जी भी ने मुझे हार्ट दिया, राइट कहा है, थैंक यू सो मच आप तीनों को। उसके बाद अविनाश जी ने लिखा है, बेशरम गुनगुन को दिमाग नहीं है, एकदम दिमाग तो उसको है ही नहीं। फिर रीमा जी ने लिखा है, नाजायज़ समर और नाजायज़ गुनगुन, एकदम दोनों का नाजायज़ रिश्ता ही रहेगा। और जब बच्चे होंगे छोड़ ही दो। बस अब मैं देख लेती किसी का कमेंट रह गया हो तो मैं जल्दी, बेटा मत करो। मुस्कान जी का है, घटिया औरत है मैम गुनगुन, एकदम घटिया औरत है। बस मेरे पास इतने ही कमेंट्स थे। अब मैं जा रही हूँ अपने दूसरे वीडियो की ओर जिसमें ध्रुव लौटा है। तो इसमें आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, तो सबसे पहले मैं इसमें पढ़ूंगी कमेंट। अविनाश जी का लेकर, बहुत बढ़िया काम किया राधिका उसकी माँ ने ध्रुव को जेल से बाहर निकाल कर, एकदम थैंक यू सो मच अविनाश जी। ताशी जी लिखा, आपने बिल्कुल सही बोला, 100% राइट, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, मुझे भी ताशी जी। उसके बाद भाईजान शाहिद भाईजान लिखा है, वेरी गुड सॉन्ग, थैंक यू सो मच शाहिद भाईजान। फिर आपने लिखा, सिस्टर आपने सही बोला 100%, थैंक यू सो मच। दीपा जी ने लिखा है, आपने सही बोला, थैंक यू सो मच दीपा जी। पद्मा जी ने लिखा है, राधिका सही समय पर ध्रुव को जेल से बाहर निकाला है, अब गुनगुन की खैरियत नहीं, अब तो चैन आराम सब ढंस हो जाएगा, थैंक यू सो मच पद्मा जी। मसरूर जी ने लिखा, मसरूर अहमद जी ने, ये काश कहीं ऐसा होता कि दो दिल होते सीने में, टूट भी जाता। दूसरा मोहरा का गाना है, मैं भूल गई हूँ, थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छा गाना लिखा है। फिर आपने लिखा है, समर को कोर्ट से न्याय, पहले वाला फ्लैट जो है उसकी माँ के नाम करवा दिया है, एकदम। उसके बाद आपने लिखा है, अब मैं गाना सुनाता हूँ, अच्छा, एक काश कहीं ऐसा होता कि दो दिल होते सीने में, एक टूट भी जाता तकलीफ नहीं होती जीने में, सही, अब मैंने पकड़ा गाने को, थैंक यू सो मच। उसके बाद रीमा जी ने लिखा है, आपने बहुत अच्छा गाना गाया हर्षा जी, थैंक यू सो मच, आपने हार्ट भी दिया। फिर दीपा जी ने लिखा, आपने सही कहा, थैंक यू सो मच। सर्विन डिसूजा जी ने लिखा, यू आर राइट सिस्टर, थैंक यू सो मच। फिर राम अवतार जी ने लिखा है, तुम लोग पैसे के लिए कुछ भी वीडियो बनाते हो, एकदम एकदम सही पकड़े हैं, थैंक यू सो मच। उसके बाद माला जी ने लिखा है, दीदी ध्रुव तो निकल के आ गया है, बहुत अच्छा काम किया है राधिका उसकी माँ ने, थैंक यू सो मच माला जी। मुस्कान जी लिखा है, मुझे भी बहुत खुशी हुई मैम ध्रुव को देख के, एकदम थैंक यू सो मच। उसके बाद रेणु जी ने लिखा है, वेरी गुड सॉन्ग सिस्टर, आपने बिल्कुल सही बोला, आपने हार्ट भी दिया, थैंक यू रेणु जी। ताशी ने लिखा, आपने बिल्कुल सही बोला, 100% राइट, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच ताशी जी। फिर पद्मा जी ने लिखा है, राधिका सही समय पर ध्रुव को जेल से बाहर निकाला है, ये मैंने पढ़ लिया था। प्रतिभा जी ने लिखा है, गुनगुन को मॉडलिंग वाली ही बुद्धि है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, गुनगुन को बेशम लड़की है, एकदम सही कहा आपने, थैंक यू सो मच प्रतिभा जी। जय सिंथिया जी ने लिखा है, ध्रुव को देखकर बहुत अच्छा लगा, कुछ भी गलत नहीं है, वह इंसान को जेल में डाला था, ध्रुव की मम्मी कैसी औरत है, एकदम सही कहा आपने, थैंक यू सो मच। हेमा जी ने लिखा है, दीदी थैंक्स फॉर राधिका एंड मदर एंड नाउ ही शुड गो सडनली टू मीट गुनगुन एंड किक समर आउट ऑफ द हाउस, ध्रुव शुड नॉट डिवोर्स गुनगुन, लेट देम सफर एंड टीच देम लेसन, 100% करेक्ट, एकदम थैंक यू सो मच हेमा जी। कंचन जी ने लिखा है, वेरी गुड, ध्रुव इज कमिंग टू जेल, राधिका मॉम थैंक्स, अब गुनगुन जब जेल जाएगी तो पता चलेगा, आप सॉन्ग बहुत गुड जानती हो, मैंने आपका सॉन्ग वाला वीडियो देखा है, आई एम वेरी हैप्पी, सो स्वीट लग रही हो बाबू, गुड मॉर्निंग, बाय बाय, सो स्वीट बाबू, आपने हाथ भी दिया है, बेटा आप हैप्पी रहो, गॉड आपको खूब पैसा दे, जब गुनगुन जेल जाएगी तो तब मज़ा आएगा। कंचन जी थैंक यू सो मच। जोस्विन जी को क्या हुआ, जोस्विन जी यू आर नॉट मैसेजिंग मी, आई थिंक यू हैव फॉरगॉटन मी।
थैंक यू जोसविन जी, शाहिद भाईजन का मैसेज मैंने पढ़ा था, गीता जी का मैसेज हार्ट दिया है, थैंक यू सो मच, आपने वेरी नाइस लिखा है। नंदिनी जी ने लिखा है, राधिका की मम्मी वेरी गुड, आप एक इंसान के नाते बेटी बेटा सबका प्यार प्रेम समझकर ग्रुप को बाहर निकाले आंटी, बहुत अच्छा लगा, गुनगुन को कठोर से कठोर कार्रवाई करो एकदम, थैंक यू सो मच, आपने हार्ट भी दिया नंदिनी जी। अविनाश जी ने लिखा है, अभी बेशरम गुनगुन जेल जाएगी एकदम, अभी बेशरम गुनगुन का बुरा हाल होगा ध्रुव को देखकर, एकदम सही पकड़े हैं अविनाश जी, थैंक यू सो मच। हिमेश जी नमस्ते लिखा है, फिर अविनाश जी ने लिखा है, बहुत बढ़िया काम किया राधिका उसकी माँ ने ध्रुव को जेल से बाहर निकाल कर, एकदम थैंक यू सो मच। अब मैं जा रही हूँ तीसरे वीडियो की ओर जिसमें रुखी सुखी रोटी खिलाया जा रहा है। अब मैं सबसे पहले पढ़ूंगी रेनू अनेजा जी, मुझे बहुत दिनों बाद मैसेज कर रहे हो, आप कैसे हो रेनू जी, आपने लिखा है या वेरी राइट, थैंक यू सो मच। मुस्कान जी ने स्माइली दिया है, थैंक यू मुस्कान जी। प्रतिभा जी ने लिखा है, खाना देते तो बहुत अच्छा लगता, थैंक यू सो मच प्रतिभा जी। रेनू जी ने लिखा है, अपने बिल्कुल सही बोला सिस्टर, अपने हाथ भी दिया, थैंक यू सो मच। मसरूर अहमद जी ने लिखा है, वैसे एक बात बोलूँ, अगर आप समर का बैकग्राउंड देखें तो समर को किडनैप करके रखा गया था, एक बूंद पानी तक नहीं दिया गया था, जैसे सौरभ भैया को भी किडनैप किया था ना, बस सिंघानिया से कर्नल। अच्छा, मुझे नहीं पता ये वाली बात, थैंक यू सो मच। उसके बाद आपने लिखा है, ये बहुत पहले की बात है, पैसा किसने दिया था, गुनगुन का भाई ने। हाँ, सीधी बात यह है कि पंडित बेटी और पंडित दोनों ने फ्लैट रखना चाहते हैं, औरत और समर के साथ अपनी बेटी की शादी भी कराना चाहते हैं, एकदम सही बोला है, थैंक यू सो मच। उसके बाद अविनाश जी ने लिखा है, अभी ध्रुव बेशरम गुनगुन को जेल भेजेगा, राधिका के दूसरे माँ से एक और बेटी है, और एक और बेटी है तो चुपके शादी किया था राधिका के पापा ने, एकदम आपने सही बोला। एक बात और, राधिका के पापा ने दूसरी शादी की भी है, वो भी चुपके, एकदम। और भी बहुत से काम होते हैं जो जेल के अंदर आपको करना पड़ता है, अगर यही खाना देना था तो आपको एक बात बोलूँ, जेल में भी ऐसा ही खाना मिलता है, पतली दाल पतली रोटी, और खाना खुद बनाना पड़ता है जेल के अंदर। अच्छा, थैंक यू सो मच भाईजान। उसके बाद कंचन जी लिखा है, गुड बोला, थैंक यू सो मच कंचन जी। जय सिंथिया जी ने लिखा, राइट बोला आपने मैडम, थैंक यू सो मच। अब मैं अपने कमेंट के वीडियो में देख लूँ, किसी का कमेंट अगर हो तो मैं जल्दी से पढ़ लूँगी, नहीं सिर्फ दो ही कमेंट है मेरे पास, एक अविनाश जी का है, ऑसम वीडियो, थैंक यू सो मच। रीमा जी का है, नमस्ते बेटा, गॉड ब्लेस यू, आपने हार्ट दिया, थैंक यू सो मच। बस मेरे पास इतने ही मैसेजेस थे, और मैसेजेस नहीं हैं। आई होप आप अपने मैसेज के वीडियो को ज़रूर सुनोगे और मुझे ऐसे प्यार सपोर्ट दोगे। बस मैं अपना वीडियो यहाँ पे करती हूँ एंड, फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। यहाँ पे सुबह से करंट नहीं है, एकदम पसीने पसीने हो गई है, पसीने में ही सब करना पड़ रहा है, तो दुर्गा पूजा है ना, पंडाल बन रहे हर जगह, इसीलिए यहाँ करंट का हम लोग को सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। तो चलिए, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।